जिले के गांव चांदवास में एक दिन पूर्व ही लगाया गया गांव का गौरव पट दिन दहाड़े अज्ञात लोग उखाड़ कर ले गए। गौरव पट पर गांव के स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ियों, महान विभूतियों, दानवीरों इत्यादि के नाम उनकी उपलब्धियों के साथ अंकित किए गए थे। गांव के सम्मान के साथ साथ सरकारी संपत्ति की चोरी होने पर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने पंचायत विभाग के मुख्य अभियंता व पुलिस को शिकायत देकर अज्ञात तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मामला ये है जी, 29/6/2018 को ग्राम पंचायत चांदवास ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके खंड विकास पंचायत अधिकारी के मार्फत सरकार को एडीसी डीसी को भिजवाया गया, जिससे सरकार ने पास होने के बाद गौरवपट जो चांदवास के अंदर बनना था, जो पूरे हरियाणा के अंदर गौरवपट बना, उसी भांति एक चांदवास में भी गौरवपट बना था, उसमें महान फौजी थे, महान आत्माएं थी जो शहीद हुए थे उनका था। और कल वो बोर्ड 18 तारीख को चारों तरफ से लगाया गया था। उसके बाद लगने के बाद आज 19 तारीख को उसमें से 3 बोर्ड हैं वो चोरी कर लिए गए, और उस संबंध में हमारे सचिव साहब को शिकायत भी दे दी है, प्रूफ भी दे दिया है, और ये भी दे दी कि पहले ये बोर्ड लगे हुए थे। अब हमारी ये मांग है कि जिन्होंने ये बोर्ड पड़े हैं या पढ़वाए हैं उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने ग्रामीणों ने ये सब विचार बनाया है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, कल हम DC से भी मिलेंगे, SP साहब से भी मिलेंगे, और एक्शन पंचायती राज से भी मिलेंगे, सभी का नोटिस में भी डाल दिया जाएगा। आज SHO साहब को ये शिकायत भी दे दी है, और हमने अपनी ये शिकायत पर प्राप्त भी कर ली। SHO ने ये भी बता दी कि आपकी शिकायत इतने नंबर पर प्राप्त हो चुकी है। जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था जो 6 माह पहले, वो प्रस्ताव की भी मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ। इन सब की धज्जियां उठाते हुए ये बोर्ड पाड़े गए हैं, ये चोरी किए गए हैं। इन चोरी में कौन कौन शामिल है, FIR दर्ज करके उनको सभी को सामने लाना चाहिए। कितने दिन पहले लगा था बोर्ड? कल ही ये बोर्ड लगे थे जी, कल दिन के अंदर बोर्ड लगे थे, और आज दिन के अंदर ये बोर्ड पाड़ लिए गए, जो कि बड़ा भारी अपराध है। क्योंकि बोर्डों के अंदर भी साफ लिखा है कि जो इन बोर्डों को पाड़ेगा उनके गांव का पूरी तरह से अनादर होगा। ये तो पूरे गांव की बेइज्जती कर दी, बड़े चोर और जुल्मियों के खिलाफ। ऐसी जुल्मियों को तो 376 जैसी सजा देनी चाहिए। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस TV।